निगम भिलाई क्षेत्र के वार्ड 27 शास्त्री नगर में नाली में गंदगी फैला रहे तीन भैंस खटाल मालिकों पर कार्रवाई की गई। इन पर 4500 रुपए का चालानी कार्रवाई भी की गई है। निगम भिलाई द्वारा भैंस खटाल संचालकों को बार बार मना करने के बाद भी वे नहीं मान रहे थे। नाली में गोबर फेंकते हैं, नाली जाम कर देते हैं, साथ ही सड़क पर कचरा फैला देते हैं। नगर निगम भिलाई द्वारा कई बार कई कार्रवाइयां की गई। इस बार 3 दिन का समय उनके द्वारा मांगा गया था, जिसे निगम द्वारा दे दिया गया। अब 3 दिन बाद अगर भैंस खटाल नहीं हटेगा तो उन्हें विशेष कार्रवाई करते हुए वहाँ से हटा दिया जाएगा। गाय भैंस की जब्ती की कार्रवाई भी की जाएगी। गंदगी फैलाने वाले पंकज यादव, मनोज यादव, अजय यादव, इंदिरा यादव, लखन लाल यादव सभी ने अपनी भैंस खटाल हटाने के लिए 3 दिन का समय मांगा है, जो उन्हें निगम द्वारा दे दिया गया है। नगर निगम भिलाई क्षेत्र में वार्ड क्रमांक 27 घासीदास नगर क्षेत्र में बहुत सारे खटाल संचालक ऐसे हैं जो अपने खटालों से निकलने वाले गोबर को नाली में फेंक देते हैं, जिससे नाली जाम हो जाती है, सफाई व्यवस्था प्रभावित होती है। और जबकि उनको बार बार चेतावनी दी गई है, उनसे अर्थदंड भी वसूला जाता है कि आप जो है अपना खटाल को गोकुल लगा ले जाएं, लेकिन नहीं ले जाते हैं। ऐसे खटाल मालिकों पर कार्रवाई की गई है। उनको 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। उन्होंने कहा कि मैं 3 दिन के अंदर अपने खटाल हटा लूँगा। चालानी कार्रवाई में उन लोगों से 4500 रुपये भी कलेक्ट किया गया है। और ये सभी खटाल मालिकों से नगर निगम भिलाई की अपील है कि आप नालियों में गंदगी न फैलाएँ, नालियों में गोबर को न डालें, और आप सफाई करेंगे तब हम सफाई हो सकता है। अगर आप गंदगी फैलाते रहेंगे, नगर निगम सफाई करते रहेगा, तो ये नहीं चलेगा। तो सबको चेतावनी है कि गंदगी फैलाना बंद करें, न तो चालानी कार्रवाई होगी और साथ में जब्तीनामा भी बनेगा। इस कार्रवाई के दौरान जोन 2 की कमिश्नर ऐशा लहरे, जोन 2 के स्वास्थ्य अधिकारी अनिल मिश्रा, सुपरवाइजर अंजनी सिंह विशेष तौर पर मौजूद रहे। ACN न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।